भोजपुर के जगदीशपुर में आज राजद के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जगदीशपुर के राजद विधायक राम विशुन सिंह लोहिया सहित तमाम पार्टी के जिला स्तरीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सम्मेलन के दौरान राजद विधायक ने पार्टी के तमाम सक्रिय नेताओं को सम्मानित करते हुए संगठन को मजबूत करने की बात कही। वहीं चुनावी साल में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने को की तैयारी के रूप में देखते हुए मीडिया के सवाल पर जगदीशपुर राजद विधायक ने इस सम्मेलन को चुनावी कसरत न बताते हुए पार्टी की मर्जी से आयोजित करने की बात कही। अमृत सिंह कुशवाहा अभियान बजाय कुशवाहा बसाम डोला उनको सम्मानित विधायक जी कर रहे हैं। हीरो के इसके बाद चांद केसरी सिरपुर राजेश्वर जी से कहेंगे मंच पावे और उनको भी माननीय विधायक जी सम्मानित करेंगे। राजेश्वर मुखिया जी बीरबल यादव जी को सम्मानित करेंगे माननीय विधायक जी। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष अक्षय लाल जी चौधरी उनको सम्मानित हमारे माननीय विधायक जी करेंगे। सम्मानित कर रहे हैं ननक मुसहर को जगदीशपुर स्थानीय विधायक माननीय विधायक जी। साथियों हम बार बार इस मंच से गुजारिश कर रहे हैं, बार बार भी हम हाथ जोड़ से जनता बहुत खुश है। यहाँ पर प्रेम पूर्वक खाइए और लड़ाई लीजिए। इलेक्शन आएगा उस दिन भाई राम विशुन लोहिया जी कहते हैं, हम तो कहते हैं कि आप जो कर्मठ पुरुष है आप अपना फूल नाम धरिए। डॉक्टर जयलाल जी मेधापुर के हैं, इनको गमछा से सम्मानित करेंगे माननीय विधायक जी। पीरो प्रखंड के पाने का काम करें उनको माननीय विधायक जी सम्मानित करेंगे। माननीय विधायक जी सम्मानित करेंगे पीरो प्रखंड अध्यक्ष अक्षय लाल जी को। श्री भगवान सिंह रंगीला राम राजापुर सुभाष सिंह
उप मुखिया बुलाइए भाई सुनील सिंह, सुनील सिंह प्रणाम। सुनील सिंह प्रणाम। भगवान सिंह से लखना चले सुनील सिंह उपस्थित हो चुके हैं। श्री भगवान सिंह से लखना विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन है राजद का, काफी हाँ, भीड़ देखी जा रही है। हाँ, हमने हमारे सभी साथियों की सलाह हुआ कि सर एक दिन कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाए, तो कार्यकर्ता सम्मेलन सब साथियों के सलाह राय से आज तय हुआ और यहाँ देख रहे हैं कि गोपाल के बथान के मैदान में इतनी संख्या में पुरुष और महिलाएं लोग आई हुई हैं। जो जनता दल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं वे सारे मौजूद हैं और सब लोगों की खाने का भी व्यवस्था है कि लोग आए हैं 11 बजे से खाना खा के लोग जाएंगे। अभी हम लोग कार्यक्रम अपना शुरू कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि चुनावी साल है, 2020 मैच का शुरुआत हो गया? अरे चुनावी तो है, बीच में चुनाव तो है ही। ये कार्यक्रम कार्यकर्ता लोग की इच्छा पर हो रहा है। अब जो समझिए आप, मतलब 20 का चुनाव समझिए या हमारा अपना कार्यकर्ता का ये जो था उसके आधार पर हो रहा है, सलाह से हो रहा है। आपकी तुलना राम मनोहर लोहिया से भी की गई, यहाँ पे काफी खुश है लोग आपको। राम मनोहर लोहिया जी तो हम नहीं बन सकते हैं, मेरा नाम मैंने राम मनोहर लोहिया जी वे पुरुष थे और उनकी तुलना हमसे नहीं हुआ है। ये सब बोलने वाला के बोलने दीजिए, वैसा नहीं है। लेकिन हमसे जितना जो बनता है मैं ईमानदारी से कर्मठता से मैं क्षेत्र में काम करता हूँ और जनता के हमेशा बीच में मैं रहता हूँ। चुनावी साल है, शुरुआत हो गई कि आगाज है क्या? ये 9 वर्ष के अवसर पर राजद का कार्यकर्ता सम्मान समारोह है और इसी कड़ी में संदेश विधान जगदीशपुर विधानसभा अंतर्गत एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है और माननीय नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में ये जो NDA की सरकार चल रही है, गरीब शोषित अकलियत विरोधी सरकार है और ये सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज हमारे जगदीशपुर के माननीय विधायक के नेतृत्व में जगदीशपुर मुख्यालय पर ये आपका मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है और कार्यकर्ताओं की मान सम्मान के लिए ये करवा चलता रहेगा और आने वाला 2020 में तेजस्वी यादव की अगुवाई में सरकार बनेगी और गरीबों को न्याय